हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राठौड़ क्लासेज में, जिसमें हम पढ़ते हैं गणित और विज्ञान। लेट अस गेट स्टार्ट। जैसा कि पहले वीडियो में हम परिमेय संख्याओं के गुणधर्मों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिनमें समृद्ध का गुणधर्म, क्रम विनिमेयता गुणधर्म और साचर्यता का गुणधर्म या सहचर्यता का गुणधर्म था। इनमें से हम समृद्ध का गुणधर्म पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे क्रम विनिमेयता का गुणधर्म। तो सबसे पहले हम क्रम विनिमेयता के गुणधर्म के अंतर्गत देखेंगे कि क्या पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमेयता के गुणधर्म का पालन किन किन संक्रियाओं के अंतर्गत करती है और किन किन संक्रियाओं के अंतर्गत नहीं करती है। जैसा कि आप उदाहरण देख पा रहे होंगे कि 0 + 7 = 7 होते हैं, और अगर इनका क्रम बदल दिया जाता है तो 7 + 0 = 7 ही प्राप्त होते हैं। वैसे ही अगर हम इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं कि 2 + 3 = कितने होते हैं? 5, और इनका क्रम बदल देते हैं, अगर 3 + 2 करते हैं तो भी हमें उत्तर 5 ही प्राप्त होते हैं। अर्थात पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत क्रम विनिमय है या क्रम विनिमयता के गुणधर्म का पालन करती है। अब हम देखते हैं दूसरी संक्रिया व्यवकलन। व्यवकलन का पहला उदाहरण, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि 7 में से 5 को घटाने पर हमें 2 प्राप्त होते हैं, लेकिन क्रम बदलने पर 5 में से 7 को घटाने पर हमें -2 प्राप्त होते हैं, जो कि एक अलग संख्या है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं 10 में से 6 को घटाने पर हमें 4 प्राप्त होते हैं, लेकिन क्रम बदलने पर 6 में से 10 को घटाने पर हमें -4 प्राप्त होते हैं, जो कि एक अलग संख्या। अर्थात पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। अब हम देखते हैं तीसरी संक्रिया गुणन। जैसा कि आप पहला उदाहरण देख पा रहे होंगे कि 2 × 3 = 6 प्राप्त होते हैं, और क्रम बदलने पर भी हमें 3 × 2 = 6 ही प्राप्त होते हैं। और इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं 5 × 6 = हमें 30 प्राप्त होते हैं, और क्रम बदलने पर भी हमें 6 × 5 = 30 ही प्राप्त होते हैं। अर्थात पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमेयता गुणधर्म का पालन करती हैं। अब हम देखते हैं चौथी संक्रिया, जो कि है भाग। जैसा कि आप उदाहरण देख पा रहे होंगे कि 6 / 2 = हमें 3 प्राप्त होते हैं, और क्रम बदलने पर 2 / 6 करने पर हमें 1/3 प्राप्त होते हैं। अर्थात पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत क्रम विनिमेयता गुणधर्म का पालन नहीं करती हैं। अब हम देखते हैं दूसरे प्रकार की संख्याएं पूर्णांक संख्याएं, कि क्या ये क्रम विनिमेयता के गुणधर्म का पालन किन किन संक्रियाओं के अंतर्गत करती हैं और किन किन के अंतर्गत नहीं करती हैं। तो चलते हैं पहली संक्रिया योग। योग में आप देख पा रहे होंगे कि 4 + -5 = -1 प्राप्त होता है, और क्रम बदलने पर -5 + 4 = -1 ही प्राप्त होते हैं। अर्थात पूर्णांक संख्याएं योग के अंतर्गत क्रम विनिमेय है या क्रम विनिमेयता के गुणधर्म का पालन करती हैं। अब देखते हैं व्यवकलन। इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि अगर 5 में से -2 को घटाते हैं तो 5 + 2 होकर के हमें 7 प्राप्त होते हैं, लेकिन क्रम बदलने पर -2 में से 5 को घटाने पर हमें -7 प्राप्त होते हैं, जो कि अलग अलग संख्याएं हैं। अर्थात पूर्णांक संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमेय नहीं है। अब हम देखते हैं तीसरी संक्रिया, जो कि है गुणन। अब आप उदाहरण देख पा रहे होंगे कि 5 × -4 = हमें -20 प्राप्त होते हैं, और क्रम बदलने पर -4 × 5 = भी हमें -20 ही प्राप्त होते हैं। अर्थात गुणन के अंतर्गत पूर्णांक संख्याएं क्रम विनिमेयता के गुणधर्म का पालन करती हैं। चलो अब देखते हैं चौथी संक्रिया, जो कि है भाग। क्या भाग के अंतर्गत पूर्णांक संख्याएं क्रम विनिमेय है या नहीं है?
जैसा कि आप उदाहरण में देख रहे होंगे कि 6 में अगर हम -2 का भाग लगाते हैं तो हमें -3 प्राप्त होते हैं, लेकिन क्रम बदलने पर हमें -2 में 6 का भाग लगाने पर -1/3 प्राप्त होते हैं, जो कि अलग अलग संख्याएं हैं। अर्थात पूर्णांक संख्याएं भाग के अंतर्गत क्रम विनिमेयता गुणधर्म का पालन नहीं करती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं तीसरे प्रकार की संख्याएं, जो कि है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किन किन संक्रियाओं के अंतर्गत क्रम विनिमेयता के गुणधर्म का पालन करती हैं और किन किन के अंतर्गत नहीं करती है। तो शुरू करते हैं पहली संक्रिया से, जो कि है योग। इसका हम एक उदाहरण लेते हैं कि 1/2 एक परिमेय संख्या है और 2/3 भी एक परिमेय संख्या है। जब इनको जोड़ते हैं तो हमें 7/6 प्राप्त होते हैं, और जब क्रम बदलने पर 2/3 को आगे लिखते हैं और 1/2 को पीछे लिखते हैं और फिर इनको जोड़ते हैं तो भी हमें 7/6 ही प्राप्त होते हैं, जो कि समान संख्याएं हैं। अर्थात परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत क्रम विनिमेयता के गुणधर्म का पालन करती हैं या क्रम विनिमेय है। अब हम आगे देखते हैं अगली संक्रिया व्यवकलन। इसका अपना खुद का उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि 1/2 में से 2/3 को घटाने पर 3 -4/6 यानी कि -1/6 प्राप्त होते हैं, और क्रम बदलने पर 2/3 को आगे और 1/2 को पीछे लिखने पर 2/3 -1/2 = 4 -3/6 = 1/6 प्राप्त हो रहे हैं, जो कि अलग अलग संख्याएं हैं। अर्थात परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमेय नहीं है या क्रम विनिमेयता के गुणधर्म का पालन नहीं करती हैं। अब हम लेते हैं तीसरी संक्रिया, जो कि है गुणन। आइए देखते हैं गुणन को। इसमें अपना खुद का उदाहरण अपन लेते हैं, जैसे कि 1/2 और 2/3 को अगर गुणा करते हैं, यानी कि 1/2 × 2/3 = 2/6 प्राप्त होते हैं, और क्रम बदलने पर भी जैसे कि 2/3 को आगे और 1/2 को पीछे लिखकर फिर गुणा करते हैं तो भी हमें 2/6 ही प्राप्त होते हैं। अर्थात परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमेयता गुणधर्म का पालन करती हैं या क्रम विनिमेय है। अब हम देखते हैं अगली संक्रिया, जो कि है भाग। इसमें भी एक उदाहरण ले लेते हैं कि 1/2 / 2/3। मैं आपको बता दूं कि जब इसे भाग होता है तो हम भाजक के चिन्ह को गुणा बदल देते हैं और आगे वाली संख्या उल्टी हो जाती है। तो 1/2 / 2/3 = 1/2 × आगे वाली संख्या उल्टी हो गई है, 3/2। ऊपर वाले को गुणा करते हैं तो 3 * 3/2 = 2 × 4 यानी कि 3/4 प्राप्त हो रहे हैं, और क्रम बदलने पर 2/3 / 1/2 = 2/3 × आगे वाली संख्या उल्टी हो गई है, 2/1। इनको गुणा करते हैं तो 4/3 प्राप्त हो रहे हैं, जो कि अलग अलग संख्याएं हैं। अर्थात परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत क्रम विनिमेयता गुणधर्म का पालन नहीं करती हैं या क्रम विनिमेय नहीं है।